हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं डीटीसी बस में मार्शल कैसे तैनात होते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए मार्शल तैनात होना है तो हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि सैलरी पैकेज एज क्राइटेरिया कितना रहता है, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए और डीटीसी मार्शल्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या एज लिमिट रहती है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, जितनी बातें बताई जाती है सारी इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके लिए ये एक एक चीजें काफी इंपोर्टेंट होने वाली है और आपके सारे डाउट क्लियर आउट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपकी कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पांचवी पास। अगर आपने पांचवी पास की हुई है यानी कि प्राइमरी पास की हुई है तो आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। अब दोस्तों एज क्राइटेरिया को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल। 18 साल से ऊपर आपकी कितनी भी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा वेट इतना है, वेट कम है, ज्यादा है, तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा, दोस्तों आपका वेट कितना भी हो, आपकी हाइट कितनी भी हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन सवाल ये निकल के आ रहा था कमेंट सेक्शन में, भर भर के मैसेज आ रहे थे कि सर हम अदर स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को अच्छे से समझ लेना। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली की कोई ना कोई आपके पास रेसिडेंट आईडी जरूर होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं दोस्तों, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, आप बैंक की पासबुक, आपके पास कुछ भी है इनमें से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की आईडी होना दोस्तों बहुत अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके पास ये सारी चीजें तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये वॉलंटियरशिप है, वॉलंटियरशिप के लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अब दोस्तों आपका अगर ये सवाल है कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद जब आपकी वो हो जाती है सक्सेसफुली, फिर आप ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपका वो भी सब हो जाता है तो आपकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपको डिप्लॉय किया जाता है। अब दोस्तों ये सब क्राइटेरिया होने के बाद अब आपका सवाल आता है कि मार्शल कैसे बनते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीटीसी की तरफ से मार्शल की तैनाती की जाती है और वो मार्शल सिविल डिफेंस वॉलंटियर ही होते हैं दोस्तों, वो कोई अलग से नहीं आते हैं। तो अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन जाते हैं और आपके ऑफिस की तरफ से मार्शल का नाम रिक्रूट होता है तो आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ साथ मार्शल भी बन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोई सवाल के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं कोई भी डाउट है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारी डेडिकेटेड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए। दोस्तों इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।